عبارة عن ثلاث كاميرات أمامية وداخلية अस्सलाम वालेकुम और दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होगे। मेरा नाम इमरान, मेरा चैनल देख रहा है इमरान ब्लॉग, उसको सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें उसको। आगे से आगे हम नए से नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। और सवेरे 28 तारीख है, 28 तारीख छठो महीना सन 2023, सऊदी अरब में सुबह को ईद है, बकरा ईद। और हम लोग इंशाल्लाह ना होगी तो हरम में जाएंगे मस्जिद नबी नवाज पढ़ने के लिए, और हरम की भी वीडियो बना के लाएंगे आपके लिए। और बाकी सवेरे सऊदी अरब में सुबह 7 बजे या 6:30 बजे नवाज हो जाएगी, 6:30-6 बजे लास्ट नवाज हो जाएगी बाकी। और इंडिया में फिर परसों 29 तारीख को ईद है और बकरा ईद है यहाँ पर, बाकी बकरा ईद है यहाँ पर। और यहाँ जो है खास बात यह है, सबसे ज़्यादा कुर्बानी होती बकरे की, ऊँट की, ऊँट की बहुत कुर्बानी होती यहाँ पर। हर घर में ऊँट की तो लाजिम कुर्बानी होना है यहाँ, ऊँट बकरा की तो पता ही नहीं, बकरा तो बहुत ही होता है जैसे, ऊँट बहुत कुर्बानी होती है इस टाइम पर। और हम ईद ऊँट की भी वीडियो बनाएंगे आपके लिए कुर्बानी के टाइम पर, नमाज पढ़ के आएंगे जब हम हरम से, उसके बाद वीडियो बनाएंगे ऊँट की भी। عبارة عن ثلاث كاميرات أمامية وداخلية وخلفية تقوم برصد بقاعة الحادثة. تضبط بقاعة البيانات شوف. सबसे अहम बात यह है कि हम लोग हैं बाहर के लोग आए हुए हैं, कहीं की भी कंट्री हो, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश या कहीं का भी कंट्री होगा तो उसको एहतराम करना चाहिए। क्यों भैया, हम लोग अजनबी हैं, काम करने आए, क्या फ़ायदा हम पकड़ जाएंगे, जेल चले जाएंगे, जेल काट के घर पहुंचे जाएंगे और काम दाम जो करोगे वो भी बंद हो जाएगा आपका। तो इसलिए बहुत एहतियात करना चाहिए। नमाज पढ़ने के लिए जाओ, अपने कतई नॉर्मल होके जाओ, नमाज पढ़ो, दुआ मांगो, सीधे चले आओ रूम पे, बाकी इधर उधर दोस्तों के रूम पे चले जाओ। बाकी अगर कुछ मतलब दो चार इकट्ठे होते हैं या जोर से बोल के चलते हैं, बहुत सी बात है, औरतें वगैरह होती हैं खड़ी हुई, तो वो मतलब किसी टाइम पुलिस आ सकती है, आपको भी पकड़ ले जाएगी, और पकड़ ले जाएगी तो आपको भी जेल में डाल देगी, और जब डाल देगी तो आपको सीधे घर भेजेगी। घर भेजने के बाद तुम क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एहतराम बहुत ज़रूरी है, परदेश में रह के एहतराम भी करना, ईद भी मनाना और गोश्त भी पकाना, सारा कुछ करना, पर जो है हिसाब से बहुत ज़रूरी रहना है आपको, नहीं तो ये आप खुद ही देख सकते हो ये वीडियो, तो क्या फ़ायदा है, नहीं अच्छा, सही बात। बाकी ईद भी है, अपने दोस्त भी हैं, फ्रेंड भी हैं, मिल लो, मिल के चले आओ रूम पर, आराम से सो, खाओ पियो, सो जाओ, और क्या करना है। ज़्यादा कुछ करोगे तो फिर क्या फ़ायदा, यहाँ पर अपने लोग सब सारे लोग अजनबी हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मतलब छुटा सके आपको, और अगर छुटेगा भी तो सीधे घर भेज देंगे ये लोग। तो इसीलिए एहतराम करना। बाकी हम आपके लिए नए से नए वीडियो लाते रहेंगे, सब्सक्राइब जरूर हमारे चैनल को करना, शेयर भी करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।